नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के मन में सवाल पैदा करती है। MRI और CT स्कैन में क्या अंतर होता है? कई बार डॉक्टर हमें दोनों तरह के स्कैन कराने की सलाह देते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता है कि ये स्कैन किस लिए किए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए ये कैसे अलग अलग काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन दोनों स्कैन की बारीकियों को समझते हैं और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्कैन किस कंडीशन में कराया जाता है। शुरुआत करते हैं MRI और CT स्कैन के बेसिक से। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग और CT यानी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, ये दोनों इमेजिंग टेक्निक हैं और जो हमारी बॉडी के अंदर की साफ तस्वीरें दिखाने का काम करती हैं। और ये दोनों ही आज के समय में मेडिसिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी की समस्याओं का सही पता लगाने में मदद करते हैं। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को MRI या CT स्कैन कराने की सलाह दी गई है तो ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि कौन सा स्कैन कब और क्यों कराना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं MRI की। MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI स्कैनिंग में बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेट्स और रेडियो वेव का इस्तेमाल किया जाता है और इससे हमारे शरीर के अंदर के अंगों जैसे कि दिमाग, हड्डियां, मांसपेशियों और नसों की बारीक से बारीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और MRI की सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से बिना किसी रेडिएशन के काम करता है, यानी इसमें एक्सरे या गामा किरणों का इस्तेमाल नहीं होता और इसी वजह से ये स्कैन उन लोगों के लिए भी सेफ है जिन्हें रेडिएशन से दूर रखना जरूरी होता है। जरा सोचिए, अगर किसी इंसान को मांसपेशियों या नर्व्स में दर्द है और वो कारण का पता नहीं लगा पा रहे हैं तो MRI एक बेहतर तरीका हो सकता है। डॉक्टर इस स्कैन की मदद से छोटी से छोटी नसों के बदलाव को पकड़ सकते हैं। क्या आपने सोचा था कितनी टेक्नोलॉजी आपके शरीर की पूरी डिटेल बाहर ला सकती है? अब आते हैं CT स्कैन पर। CT स्कैन का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। CT स्कैन एक्सरे टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी इसमें रेडिएशन का इस्तेमाल होता है और ये रेडिएशन सामान्य एक्सरे की तुलना में काफी ज्यादा साफ तस्वीरें देता है। CT स्कैन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बहुत ही तेजी से काम करता है और शरीर के किसी भी हिस्से की 3D इमेज दे सकता है और ये खासकर उस कंडीशन में उपयोगी होता है जहां तेजी से डिटेल इमेज चाहिए होती है, जैसे कि एक्सीडेंट के बाद हड्डियों की चोट या ब्रेन हेमरेज का तुरंत पता लगाना। जरा सोचिए कि एक एक्सीडेंट में किसी की हालत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और डॉक्टर को तुरंत पता लगाना होता है कि शरीर के अंदर आखिर हुआ क्या है, तो ऐसे में CT स्कैन उस पेशेंट की जान बचाने में मदद कर सकता है और ये कई लोगों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि ये समय के मामले में बहुत तेज है और गंभीर चोटों का तुरंत पता लगाने में मदद करता है। अब बात करते हैं MRI और CT स्कैन में क्या अंतर होता है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी। MRI में मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है, जबकि CT स्कैन में एक्सरे और रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है। MRI स्कैन में मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यू की बारीक इमेज मिलती है, जबकि CT स्कैन में हड्डियों और ठोस स्ट्रक्चर की जानकारी ज्यादा स्पष्ट मिलती है। नंबर 3, टाइम। MRI स्कैन होने में ज्यादा समय लेता है, जबकि CT स्कैन कुछ ही मिनटों में हो सकता है। नंबर 4, रेडिएशन एक्सपोजर। MRI स्कैन में कोई रेडिएशन नहीं होता है, जबकि CT स्कैन में रेडिएशन होता है और इस वजह से ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सीमित है। नंबर 5, कॉस्ट। MRI स्कैन आमतौर पर महंगा होता है, जबकि CT स्कैन थोड़ा कम खर्चीला होता है। इन सभी अंतरों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर कौन सा स्कैन करवाते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज की समस्या क्या है। अब सवाल उठता है कि MRI और CT स्कैन किस कंडीशन में कराया जाता है। MRI स्कैन ज्यादातर उन मामलों में कराया जाता है जहां शरीर के सॉफ्ट टिश्यू, मांसपेशियों, दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड, इन जैसी चीजों का गहराई से पता लगाना होता है। और वही CT स्कैन उन कंडीशन में बेहतर होता है जहां हड्डियों की चोट, लंग्स और हार्ट से जुड़े इमरजेंसी केस होते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के सिर में अचानक चोट लगी है और डॉक्टर को तुरंत पता लगाना है कि कहीं अंदरूनी ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, तो ऐसे में CT स्कैन उन्हें इस बात की तुरंत जानकारी दे सकता है जिससे तुरंत इलाज शुरू किया जा सके। अब बात करते हैं MRI और CT स्कैन के फायदे और नुकसानों के बारे में। MRI के फायदे। सबसे पहला, इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता है, सॉफ्ट टिश्यू और मांसपेशियों की अद्भुत डिटेल मिलती है। MRI के नुकसान। वैसे तो इसका कोई खास नुकसान नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है और ये ज्यादा महंगा होता है। अब बात करते हैं CT स्कैन के फायदे और नुकसान की। CT स्कैन तेजी से रिजल्ट देता है और ये हड्डियों और इमरजेंसी केस के लिए बेस्ट है। CT स्कैन के नुकसान की बात करें तो इसमें रेडिएशन की वजह से कुछ रिस्क जरूर हो सकता है और इसमें सॉफ्ट टिश्यू की डिटेल कम होती है। तो दोस्तों, MRI और CT स्कैन ये दोनों ही मेडिकल फील्ड में अनमोल है और डॉक्टर हमारी कंडीशन के आधार पर सही स्कैन का सुझाव देते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि कभी डरे नहीं,
ये स्कैन हमारी सेहत के बारे में बेहतर जानकारी देने के लिए है, जिससे समय रहते सही इलाज मिल सके। अपने डॉक्टर से खुलकर सवाल पूछें और हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। उम्मीद है इस जानकारी से आपको MRI और CT स्कैन के बारे में समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि सभी को इसके फायदे और अंतर के बारे में पता